न्यूज़ प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं चुरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मानव सेवा सप्ताह के तहत रविवार को स्थानीय आरटीएम होटल में रक्तमणि अभियान के संयोजन में वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश गोयल के नेतृत्व में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कुल 356 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का गोयल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने साफा व माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। देखिए, अकेली पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो निरंतर सेवा के कामों को ही अपना माध्यम बना करके राजनीति में है। जिस प्रकार देश की दशा और दिशा 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और भारतीय जनता पार्टी सेवा के कामों को लेकर निरंतर अग्रसर हुई है, ऐसे ही नेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता अपने जन्मदिन के अवसर पर भी इस प्रकार के सेवा कार्यों को लेकर के अपनी जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राजेंद्र जी राठौड़ के जन्मदिन का अवसर है। यह पूरा सप्ताह जो है मानव सेवा सप्ताह, मोदी जी के कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और इसे पूरे रक्तदान शिविर का आयोजन का मुख्य मकसद भी यही है कि अब गर्मियों के अंदर रक्त की जो कमी रहती है उसकी आपूर्ति हो सके और युवा और देश के सामाजिक लोग सामाजिक बदलाव के लिए इस प्रकार के सेवा कार्यों में जुटें। आपके द्वारा रक्तमणि एक अभियान चलाया गया था जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद से लगातार 3-4 साल तक आपने, देखिए 17 सितंबर 2015 को मोदी जी के जन्मदिन के अवसर से रक्तमणि अभियान, जो प्रतिदिन रक्तदान हम करेंगे, नियमित रक्तदान करेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के वह रक्तमणि अभियान आज भी निरंतर चल रहा है। लगभग 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और रक्तमणि अभियान निरंतरता अपनी बनाए हुए है और उसका मकसद भी वही था, उस मकसद में हम सफल हुए हैं। आज युवा स्वेच्छा से लगातार रक्तदान की ओर जुड़ा है और रक्तदान अपने जन्मदिन, पुण्यतिथि, बेटे बेटी अपने जन्मदिन पे, माता पिता के जन्मदिन पे निरंतर लोग रक्तदान के लिए जुड़े हैं और लोगों को आज रक्तदान करने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं है। यही रक्तमणि अभियान का मुख्य उद्देश्य था। आज की इस रक्तदान जो कार्यक्रम है इसमें कितने यूनिट की अपनी एक टारगेट है? कभी भी किसी रक्तदान के अंदर कोई टारगेट नहीं होता है। टारगेट लेकर के रक्तदान के उत्सव नहीं मनाए जाते हैं। जितना भी हो जाए वह श्रेष्ठ कार्य है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रक्तदान महोत्सव से जुड़े और ऐसे युवाओं को जोड़ना प्राथमिकता पर है जो पहली बार रक्तदान करेंगे, ताकि जीवन भर वह नियमित युवा रक्तदान से